हेलो फ्रेंड्स, हमारे बेस्ट होममेकर कविता चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल की वीडियो में हमने आपको इस सलवार की कटिंग बताई थी, धोती सलवार की। तो आज की वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान तरीके से समझा सकें। तो सबसे पहले देखिए, हमने कल कटिंग कर ली थी, तो अभी हम बेल्ट की साइड चलते हैं। तो देखिए, जैसे हमारी ये बेल्ट है, ठीक है, तो हमें बेल्ट को दो पार्ट में कट कर लेना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, हम यहाँ से इसको बीच से कट कर देंगे और हम अलग अलग पैर का हिस्सा सिलेंगे ताकि आप लोग भी बना सको आसान तरीके से। तो देखिए, आपको भी बेल्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये हमने डिवाइड कर दी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पकड़ेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे, इस तरीके से यहाँ पे कट लगाएंगे, इस तरीके से। अब देखिए, अब जो हमारी प्लेटें हैं वो किस तरीके से आएंगी। और देखिए, इसका हमें सेंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका सेंटर पहले से हुआ पड़ा है। जो हमने 3.5 इंच पे ये कोने पे निशान लगाया था, ये हमारा यहाँ से लेके इस आसन तक प्लेट डलेंगी और इस आसन से लेके यहाँ तक प्लेट डलेंगी। तो इसका सेंटर पहले से ही है, ये वाला जो 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया था, बिल्कुल ऑरे वाली साइड। ये चीज़ ध्यान रखें आप। कटिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ कटिंग की वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसकी सिलाई कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो बेल्ट पे हमने सेंटर में इस तरीके से बराबर करके कट लगाया था, आपको बेल्ट वाला हिस्सा लेना है और इस तरीके से उल्टी साइड को कट लगा लीजिए जैसे मैंने लगाया है, ठीक है। अब आपको अपनी सलवार का कपड़ा लेना है। सलवार वाला कपड़ा लेने के बाद अभी देखिए, बेल्ट को हम इस तरीके से रखेंगे और अपना ये कपड़ा लेंगे। और देखिए, हमारी आसन वाली साइड है, ठीक है, ये आसन वाली साइड है। तो देखिए, मैं आपको तरीका यहाँ से लेके और यहाँ तक, जो ये 1.5 इंच का कट लगाया था, इतनी प्लेट तो आ जाएंगी आधे हिस्से में, ठीक है। अब बचा आधा हिस्सा, उसकी प्लेट आ जाएंगी इस हिस्से में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, हम अब इसकी प्लेट डालना चालू करते हैं। तो जिसके लिए हम कपड़े को इस तरीके से रखेंगे, ऐसे उल्टा करके, और जो हमारा ये कपड़ा है आसन वाला, इसको इसके ऊपर ऐसे दोनों राइट साइड मिलानी है आपको, ये चीज़ ध्यान रखें आप। और देखिए, दोनों सीधी साइड मिलाने के बाद अब हम सिलाई लगाएंगे। तो हम पहले 1.5 इंच तक या 1 इंच तक खाली सिलाई लगा देंगे। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्लेटों का मुंह मुझे अपनी साइड करना है, यानी कि इनका जब डायरेक्शन है वो मुझे अपनी साइड करना है। और इसमें आप लगभग 1.5 या 2 इंच तक की प्लेट डाल सकती हैं क्योंकि ये 2.5 मीटर की सलवार है। इस तरीके से छोटी छोटी प्लेटें डालते जाएं। ये आप ये हिसाब देख लें कि जो आपका कपड़ा है वो पूरे में पूरा हो जाए, कम ना पड़े, ऐसा ना हो कि कहीं पे आपको प्लेट के लिए कपड़ा ना मिले। तो देखिए, आपको इस तरीके से चलना है। और प्लेट एकदम आपकी बराबर होनी चाहिए, जितना हम शुरू से डालते हुए ला रहे हैं इतना ही हमें इस साइड भी डालनी है। अगर छोटी बड़ी प्लेट हो जाती हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारी सलवार की सीधी साइड होती है, फिर वो अच्छी नहीं दिखती। तो इस वजह से आप ध्यान रखें इस चीज़ का। तो देखिए, इसका सेंटर आ चुका है। अभी एक प्लेट और आ जाएगी छोटी सी यहाँ पे। अब देखिए, अब आपको समझने की जरूरत है। देखिए, जो 1.5 इंच का ये कर्व है, ठीक है, अब ये आधा हिस्सा हमारा बट चुका है, यानी कि आधे हिस्से की प्लेट डल चुकी है। अब बचा हमारा आधा हिस्सा। अब देखिए, जो हमारा ये वाला हिस्सा है, इसकी हमें इस तरीके से प्लेट बनानी है, ऐसे छोटी छोटी प्लेट बना लीजिए आप इस तरीके से, और यहाँ पे रख दीजिए सेंटर में। अब देखिए, अब बचा आपका आधा हिस्सा, ये भी आसन होगा दूसरी साइड का। और देखिए, आधा हिस्सा आपका बेल्ट का बचा है, ये देखिए,
यहाँ से। अब आपको क्या करना है, अभी जैसे मैंने अपनी साइड डायरेक्शन किया था, अब आपको डायरेक्शन चेंज करना है, यानी कि डायरेक्शन आपको दूसरी साइड करना है। ये देखिए, आपको प्लेट को इस तरीके से पकड़ना है यहाँ से और इसको ऐसे घुमा देना है इस साइड। फिर से आपको ऐसे ही करना है, प्लेट को पकड़ना है और इस साइड घुमा देना है ऐसे। अब आप देख रहे होंगे कि देखिए, हम जैसे एक प्लेट डाल रहे हैं तो हमारा जो ये डिजाइन है वो कंप्लीट दिख रहा होगा आपको। अभी देखिए, फिर से आपको एक प्लेट उठानी है और बहुत इजी है ये सलवार। मैंने इसलिए सबसे आसान तरीका बताया है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम बंद बेल्ट में प्लेटें डालते हैं तो समझ में नहीं आता और लोग धोती सलवार नहीं बना पाते कि कैसे डालनी है, क्या करना है। तो मैंने इसलिए आपको बेल्ट कट करके अलग अलग पैर तैयार करना बताया है ताकि आप अपने लिए सलवार आसानी से बना सको। हम यही चाहते हैं कि आप हर चीज़ सीखो और हम कोशिश करते रहेंगे, बहुत आसान से आसान तरीका आपको बताते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारी वीडियो देखनी पड़ेंगी, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, अभी हमारा दूसरा आसन भी आ चुका है। अब आप ये समझिए कि आपका एक पैर तैयार हो चुका है, अभी दूसरे पैर के लिए भी सेम करना होगा आपको, जिसे हमने अभी किया है। अभी देखिए, जैसे हमने उस साइड से 1.5 इंच के बराबर कपड़ा छोड़ा था, तो हम इस साइड से भी 1.5 इंच के बराबर ही कपड़ा छोड़ देंगे। अभी मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि इसका लुक अब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब ये आपको दिख रहा होगा, इसका लुक बहुत ही अलग दिख रहा है, यानी कि अब ये राउंड हमारा गोल सर्कल में बदल चुका है। अभी देखिए फ्रेंड, मैंने जैसे इसको स्टिच कर लिया है, ठीक है, अगर आपको इसकी लेंथ बढ़ानी है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अब इसके ऊपर एक सिलाई ऊपर लगा देनी है और एक सिलाई नीचे लगा देनी है। जैसे मुझे थोड़ा कम करना है इसको, तो मैं इसे अंदर की साइड, और देखिए आप ये मत सोचना कि लेंथ बढ़ाने के बाद यहाँ से धागे, कुछ भी नहीं होगा, एकदम फिनिशिंग के साथ। देखिए, मैंने आपको इसलिए डबल कपड़ा लिया है ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि मोहरी कैसे बढ़ाते हैं, वरना मुझे सिंगल कपड़ा लेना चाहिए था जैसे हम मोहरी बनाते हैं। लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए डबल कपड़ा लिया है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। इससे इसकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जब भी आप झुकते हो तो आपकी जो सलवार है वो कभी भी पीछे से उठेगी नहीं। जैसे आप देखते हो धोती सलवारें पीछे से अच्छी नहीं लगती, एकदम से उठ जाती हैं, तो आपकी ये शिकायत खत्म हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप एक बार जरूर ट्राई करना, आपको 100% मेरी ये वीडियो स्टिचिंग की पसंद आने वाली है। और देखिए, अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे, जैसे हम अपनी हर मोहरी को बनाते हैं, एक सिलाई नीचे और एक सिलाई बस ऊपर। मुझे दो ही सिलाई लगानी है, मुझे ज्यादा सिलाई इस पे नहीं लगानी, क्योंकि जितनी सिंपल रखो उतना ही अच्छा रहता है। अभी देखिए, जैसे मैंने एक सिलाई यहाँ लगा ली है, अब एक सिलाई बस मैं इसके ऊपर लगा लूंगी। अभी देखिए, मैंने मोहरी के ऊपर ये सिर्फ मुझे दो ही सिलाई लगानी है, ज्यादा नहीं लगानी। अब उसके बाद इसकी हम फिटिंग कर देंगे, जैसे मैंने बताया था, मैं 6 इंच की तैयार रख के और इसको तिरछा सिलूंगी। तो देखिए, 6 इंच के बराबर हम सिलाई लगाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो साइड में निकाल के और इसको ऐसे आसन तक सिल देंगे। अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो जब इस वीडियो का एंड होगा तो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आप देख सकती हैं, आपको वहां दिख जाएगी, वहां क्लिक करके डायरेक्ट मेरे बेस्ट होम मेकर चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वरना हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे, आप इधर की साइड से सिलाई कर लेंगे। अभी देखिए, इसका जो लुक है वो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा किस तरीके से आया। मैं आपको सिर्फ पहले ये लुक दिखाती हूँ, बाकी मैं इस सलवार को आपको रख के दिखाऊंगी। मैं आपको जरूर पहन के दिखाती, लेकिन ये सलवार किसी और की है, इस वजह से मैं पहन के नहीं दिखा सकती। बाकी मैं आपको इसे रख के दिखाती हूँ अभी। तो देखिए, रखने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा।
तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी स्टिचिंग की वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल बेस्ट होममेकर कविता को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।